हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पॉकेट गुरुजी में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि मान लीजिए आपका कोई चैट व्हाट्सएप से डिलीट हो जाता है तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे रिकवर कर पाएंगे अगर आपने गूगल ड्राइव बैकअप ऑन नहीं किया हुआ था अपना और फिर भी आपका जो मैसेज है वो डिलीट हो गया है, तो ऐसे केस में आप कैसे अपने मैसेज को रिकवर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि मान लीजिए अगर आपने आज ही चैट किया और आज ही मैसेज को डिलीट कर दिया तो ऐसे मैसेज को रिकवर करना आसान नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि दोस्तों, जो रिकवर का सिस्टम होता है व्हाट्सएप का, वो रात में 2 बजे के आसपास वो बैकअप लेता है। तो ऐसे में अगर आपने गूगल ड्राइव ऑन भी नहीं भी किया होता है तो वो आपके फोन में जाके स्टोर हो जाता है। और तो ऐसे में अगर आप दूसरे दिन अपने मैसेज को रिस्टोर करना चाहो तो बहुत ही आसान तरीके से वहां के बैकअप फाइल से आप बहुत ही आसान तरीके से रिकवर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि उसके पहले आपका फोन जो है वो फॉर्मेट नहीं होना है। अगर आपका फोन फॉर्मेट हो जाता है तो फिर आपके मैसेज भी डिलीट हो जाएंगे अगर आपने गूगल ड्राइव पे अपना बैकअप नहीं लिया हुआ। तो ऐसे केस में आपके फोन में वो फाइल्स होनी चाहिए जो कि हमको जरूरी है मैसेज को अपने रिस्टोर करने में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं पॉकेट गुरुजी। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने मुझे पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है वो लोग से भी मैं कहना चाहता हूं, प्लीज आप लोग अपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बचता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा स्नैप का आईडी है वो है पॉकेट गुरुजी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने WhatsApp पे और आपके सामने ही मैं अपने मैसेज को डिलीट करके दिखाऊंगा और फिर उसको रिकवर भी करूंगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये मेरे फ्रेंड का मैसेज है, यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, इसके पूरे मैसेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ऊपर से क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिलीट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डिलीट मीडिया इन चैट भी क्लिक कर दूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका मैसेज नहीं शो कर रहा है। तो सिंपली मैं चलता हूँ, फिर इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आपको चले जाना, मान लीजिए किसी का मैसेज आपसे डिलीट हो जाता है ऐसे, तो सिंपली आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर में जाना है। और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको जाना है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप के फोल्डर आपका ऑटोमेटिक बन जाता है, आप नहीं बनाते हैं फिर भी आप अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो वो ऑटोमेटिक बन जाता है एक फोल्डर। और यहाँ से आपको क्या करना है, जाना है अपने डाटाबेसेस में। डाटाबेसेस में जाने के बाद आपको सबसे लेटेस्ट यानी कि जो आज का तारीख है उस डेट का आपको एक फाइल मिल जाएगा। तो उसको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर होल्ड करना है और फिर से क्या करना है, इसको रीनेम कर देना है। रीनेम करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसका डेट बस हटाना है। याद रहे, बस डेट इसका हटाना है, बस और कुछ भी नहीं हटाना है आपको। तो यहाँ से देख लिया आपने, इसका डेट हट गया अभी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी इसको रीनेम पे क्लिक कर देते हैं, हमारा ये फाइल रीनेम हो गया। रीनेम करने के बाद आपको क्या करना है, जाना अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ से सर्च करना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सर्च करना है और यहाँ से इसको क्या करना है, आपको अनइंस्टॉल कर देना है। इसका क्लियर डाटा कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली यहाँ से आपको अनइंस्टॉल करना है। याद रहे, तो जैसा मैं बताऊंगा बस सिंपली आपको वही फॉलो करते जाना है और आपका मैसेज बिल्कुल 100% रिकवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिर इसके बाद इंस्टॉल कर लेना है इसको व्हाट्सएप को। तो अभी हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ओपन करना है। यहीं से ओपन करने के बाद आपको अपना नंबर, सेम नंबर वही यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए मैं भी डाल देता हूँ अपना नंबर। सिंपली इसको ओके कर लेना है, जैसे आप व्हाट्सएप को बनाते हैं सिंपली यहाँ पर बना लेना है अपना व्हाट्सएप। और यहाँ पे क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद इसको अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना है। और फिर यहाँ पे अभी देख सकते हैं, अगर आपका बैकअप होगा आपके फ़ोन में तो यहाँ पे आपको कुछ शो करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बैकअप फाउंड, और ये टुडे का बैकअप दिखा रहा है। टुडे यानी 2:05 पर ये हमारा बैकअप हुआ था, जो कि है साइज 148 MB का। तो ये बोला है, रिस्टोर योर मैसेजेस एंड मीडिया फ्रॉम योर फोन इंटरनल स्टोरेज, इफ़ यू डोंट रिस्टोर नाउ यू नॉट बी एबल टू रिस्टोर लेटर। लेकिन दोस्तों, ये याद रहे, अगर आपने अभी रिस्टोर नहीं किया इसको, फिर बाद में आप इसको रिस्टोर नहीं कर पाओगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, रिस्टोर पे क्लिक कर देना है, रिस्टोर पे क्लिक करना है और आपको वेट कर लेना है जब तक ये पूरा मैसेज आपका रिस्टोर नहीं कर लेता है। तो यहाँ से हमारा मैसेज रिस्टोर हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, जैसा आप बनाते हैं व्हाट्सएप सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है। तो फिर से सिंपली मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, नेवर कर देता हूँ और यहाँ से डन कर देता हूँ। और फिर हम देख लेते हैं वो मैसेज उसका रिकवर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फिर से सनी नाम का जो मेरा फ्रेंड था उसका मैसेज यहाँ पे आ चुका है। और फिर आप चाहें तो वीडियो को
पीछे ले जाके आप चेक कर सकते हैं वही मैसेज है कि नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फिर से सिंपली आप बहुत ही आसान तरीके से ऐसे रिकवर कर पाएंगे। जिसका भी मैसेज आपसे डिलीट हो गया है तो आप ऐसे करके वो बहुत ही आसान तरीके से रिकवर उसको कर लेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो जरा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम।